नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। देश में चल रहे आजादी अमृत महोत्सव के चलते फिरोजाबाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निकाली गई भव्य विशाल तिरंगा यात्रा। बता दें कि फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें SP सिटी फिरोजाबाद, CO सिटी फिरोजाबाद सहित तमाम पुलिस के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद रहे। तमाम समाज सेवी संगठनों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा जैन मंदिर चौराहे से होते हुए कंपनी बाग चौराहा, सदर बाजार, घंटाघर होते हुए रसूलपुर थाने पर तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। नगर के सभी थाना अध्यक्ष, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान जिनके हाथों में तिरंगा झंडा था वो लिए हुए तिरंगा यात्रा का मनमोहक दृश्य आप सभी को देखने को मिल रहा है। पूरा देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, उससे पहले आज फिरोजाबाद में तिरंगा यात्रा का मनमोहक दृश्य बेहद ऐतिहासिक रहा। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। आज तिरंगा यात्रा पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों ने निकाली है। उसमें सभी आर्मी के हमारे ऑफिसर हैं और हमारे जो डिपार्टमेंटल के साथ हैं और जो आम जनता है उन्होंने हमारा पहले दिन से स्वागत किया है। जैसा कि एसपी जी ने बताया कि एक गंगा जमनी संस्कृति जो हम जिस पर हम नाच करते हैं उसका एक प्रमुख उदाहरण आज पेश कर। इस तिरंगा यात्रा से हम लोगों से, आम जनता से यही अनुरोध करते हैं, यही आभार करते हैं कि तिरंगा पर गर्व करें और अपने देश के लिए अपना सहयोग हर समय देते रहें। इस तिरंगा यात्रा में हम सभी से एक अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं कि देश को गर्वान्वित करते रहिए और देश पर गर्व करते रहिए। आज हम मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत हम पुलिस अधीक्षक माननीय के बुलाने पर हम तिरंगा फिरोजाबाद की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हमें हमारी टीम है जो हम आगरा से आए यहाँ पे, हमारे को बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे को पुलिस अधीक्षक साहब ने निमंत्रण दिया और मेरा माटी देश प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए। और हमें जो सिविल जनता का प्यार मिला वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। अभी सभी चौराहों पे सभी लोगों ने, सभी धर्मों को ले मिल के जो हमें प्यार दिया है, ये हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी है कि हम लोग क्या है सिविल लोगों के साथ नहीं मिल पाते, इसीलिए हमारे को पुलिस अधीक्षक साहब ने बुलाया था कि हमारी एक टीम आए और हमारे साथ मिल के मार्च करें। तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस प्रोग्राम में हम शामिल हुए और सभी आम जनमानस का गंगा जमुना तहजीब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो प्यार आभार मिला है वो हम कभी भी जीवन में अपने भूल नहीं सकते और मैं अपनी 6 पारा स्पेशल फोर्स टीम की तरफ से सभी को मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। यात्रा किस तरह की निकाली गई है, क्या देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिलक इंटर कॉलेज से जैन मंदिर से सुभाष चौक के बाद फिर विवेकानंद चौराहा, गन चौराहा, घंटाघर, लालबंद, शहीद चौक होते हुए ये यात्रा रसूलपुर थाने पर लगभग 4 किलोमीटर चलते तिरंगा मार्च ये समाप्त हुए हैं। आज इस तिरंगा मार्च में आर्मी के लोग, पुलिस प्रशासन, PAC के जवानों द्वारा प्रतिभाग किया गया, साथ ही साथ जो जनता के सम्मानित व्यक्ति हैं विभिन्न धर्मों के उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। खास बात ये रही इसमें कि जो गंगा जमुनी संस्कृति शहर की है उसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण आज लोगों द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। मस्जिदों से भी पुष्प वर्षा की गई, इसके लिए यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति मानने वालों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आर्मी के टीम द्वारा हमारा साथ देकर उन्होंने जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाया गया, इसके लिए उन्हें भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज का जो तिरंगा मार्च रहा निश्चित रूप से लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना को बढ़ाएगा और इसके प्रति प्रेरित होंगे जो हमारे राष्ट्र के जो कर्ता धर्ता थे जिनकी वजह से आज हम इस स्थिति में आए हैं, उनको आज याद करके हम निश्चित रूप से सच्चे मन से उनके प्रति अपने भाव और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा 15 अगस्त को भी चलेगा।
विभिन्न जो भी संगठनों द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ उन्हें आश्वस्त करता हूं कि फिरोजाबाद पुलिस पूरी तरह से तत्पर है उन्हें सुरक्षा देने के लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, स्वतंत्रता दिवस के सभी को मैं बधाई के साथ साथ कहना चाहूँगा, जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो भी अफवाहें फैलाते हैं, जो भी इस तरह के कार्यक्रमों में अड़चन पैदा या बाधा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का भी हम लोगों ने चिन्हांकन किया है, उन पर हमारी नज़र है, उन पर भी हम बहुत ही प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। धन्यवाद। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में नाक कान गले के रोगों की समस्याओं का सफल इलाज ENT रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर लव कुमार MBBS DLO मिलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। हमारा पता प्रथम तल नगर निगम मार्केट जिला अस्पताल के सामने स्पीड कलर लैब के ऊपर फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9675770146 7798904825। मैं डॉक्टर लव कुमार यादव ENT सर्जन, जो कि सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की मार्केट में क्लिनिक है मेरा। मेरा जो टाइमिंग है यहाँ 11 बजे से लेके 3 बजे तक है, सोमवार से लेके शनिवार तक मैं डेली यहीं बैठता हूँ अपने क्लिनिक पे। मेरे क्लिनिक पे सारी सुविधाएं हैं, इलाज की भी सुविधा है और सभी तरह की नाक कान गले की सर्जरी की भी सुविधा है। मैं हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो बाहर से रेफ़र होके आते हैं, जो कुछ बच्चे आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनमें से किसी को दिक्कत आती है कि उनके पर्दे में छेद है, उनके पर्दा ही नहीं है। ऐसे लोगों के भी इलाज की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है, जो ऑपरेशन बगैर कट लगाए किया जाता है, उसमें कोई टांका या चीरा नहीं लगता है, उस ऑपरेशन की भी सुविधा है। नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी है उसको सीधा करके ऑपरेशन करने की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ।